वादा तेरा वादा, पीएम मोदी की झूठ से उबी देश की जनता। तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों से की खास अपील, वादा तेरा वादा वादे पर मारा गया, ये सीधा साधा देश हमारा। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर गाना गाकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता ने सोच लिया है, इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, सत्ता से आउट करना है और केंद्र में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनानी है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जोरदार हमला बोल रहे हैं, एक दूसरे पर हमलावर हैं। एक ओर जहां एनडीए की ओर से बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से चुनावी प्रचार का मोर्चा तेजस्वी यादव ने संभाला हुआ है। तेजस्वी यादव न सिर्फ चुनावी सभा कर पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं, लगातार पीएम मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया को भी पीएम मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तेजस्वी एक के बाद एक ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव भी मोदी सरकार पर जमकर ट्विटर पर वार कर रहे हैं। लगातार सारे लोग एक दूसरे पर हमलावर हैं। तो इस बार जो मुकाबला है बहुत ही दिलचस्प है। इसी कड़ी में एक बार फिर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा, वादा तेरा वादा वादे पर मारा गया, ये सीधा साधा देश हमारा। लगातार ऐसे गाने गाकर जनता पीएम मोदी से सवाल पूछ रही है, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। पीएम ने दरभंगा के लिए क्या किया, मखाना की खेती चीनी मिल कुछ नहीं बनाए, जिसका वादा किए थे वो भी पूरा नहीं हुआ। तो लगातार तेजस्वी यादव कटाक्ष कर रहे हैं कि आपने क्या किया है, आपने अपने ऐसे कौन से वादे पूरे किए हैं, आपने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। पीएम मोदी के लिए वो जमकर बरसे हैं। प्रधानमंत्री के झूठे वादे से देश की जनता ऊब चुकी है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता लगातार जितने भी लोग हैं वो ऊब चुके हैं प्रधानमंत्री के झूठे वादे से। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब सच बोलिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा बड़का झूठा पार्टी है, बिहार ने तय कर लिया है कि इस बार मोदी को हटाना है और केंद्र में इंडिया की सरकार बनानी है। वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार की जनता से कहा है कि आप स्वयं से यह सवाल पूछना और स्वयं को उत्तर देना कि आपने 2014 एनडीए को 40 में से 33 सीटें दी, 2019 एनडीए को 40 में से 39 सीटें दी, लेकिन उन्होंने आपके लिए क्या किया। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने आपके लिए क्या किया, ये तो आप सोचिए। ये उन्होंने देश की जनता के लिए कहा है। तेजस्वी ने कहा है कि 10 वर्षों से ऊपर नीचे डबल इंजन सरकार रही है, लेकिन मोदी के आने से क्या आपको नौकरी मिली। मोदी ने 10 वर्षों में आपके गांव को क्या दिया, मोदी ने 10 वर्षों में आपके जिला और क्षेत्र को क्या दिया, मोदी ने क्या आपके गांव के स्कूल को अपग्रेड किया, मोदी ने क्या आपके गांव में हॉस्पिटल बनवाया, मोदी ने क्या आपके जिले और क्षेत्र में उद्योग लगवाए, 10 वर्षों में क्या कोई बड़ा निवेश बिहार के लिए लाए। तो लगातार बहुत सारी बातें उन्होंने पूछी है। 10 वर्षों में जितना निवेश और विकास गुजरात का हुआ उतना बिहार में क्यों नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से अपील की है कि इतना इसका जवाब दें और खुद समझें कि 10 वर्षों में पीएम ने बिहार के लिए क्या किया। ऐसा उन्होंने बिहार की जनता के लिए कहा है कि बिहार की जनता सोचे कि पीएम मोदी ने हमारे लिए क्या किया, हमको कितनी नौकरी दी, क्या कुछ किया। तो ये उन्होंने सवाल किया है। अब समय आ गया है दिल्ली के गद्दी से तानाशाही को उखाड़ फेंकने का। एक वादा पूरा नहीं किया, 10 साल का भाषण हमने सुना दिया। बताओ अररिया की महान जनता, बीजेपी का सांसद है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, अपने घर के लिए क्या किया, आपके गांव के लिए क्या किया। ये केवल भाइयों बहनों, भाइयों बहनों कहते हैं, भाइयों और बहनों के लिए मोदी जी आपने क्या किया ये बताने का काम करें। केवल झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो,